दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए न्यूज अपडेट्स आते रहें। 2019 को बीते हुए 6 महीने हो चुके हैं और इन 6 महीनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें काफ़ी फिल्म्स दी जो कि हिट थी और कुछ फिल्म्स ऐसी भी दी जो कि फ्लॉप थी। कुछ फिल्म्स ऐसी थी जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा था पर उन फिल्म्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिससे वो फ्लॉप डिक्लेयर हुई, और कुछ फिल्म्स ऐसी भी थी जो जिनका बजट काफ़ी कम था लेकिन उन फिल्म ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जिससे वो हिट हुई। तो मैं श्रुति सिन्हा आज आपको उन कुछ फिल्मों के बारे में बताऊंगी जो कि सक्सेसफुल रही 2019 में और कुछ उन फिल्मों के बारे में भी जो कि फ्लॉप रही। तो पहले मैं आपको बताऊंगी जो फिल्म सक्सेसफुल रही। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इस फिल्म का बजट 45 करोड़ था और इस फिल्म ने ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 336.95 करोड़ किया। मणिकर्णिका का बजट 132.95 करोड़ था लेकिन इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 99 करोड़ के बीच से 125 करोड़ के बीच था। गली बॉय, इस फिल्म का बजट 40 से 84 करोड़ के बीच था, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 237.35 करोड़। टोटल धमाल का बजट 100 करोड़, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 226.28 करोड़। लुका छुपी का बजट 34 करोड़, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 126.03 करोड़। बदला का बजट 10 करोड़, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 138.49 करोड़। केसरी का बजट 80 करोड़, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 230.82 करोड़। दे दे प्यार दे का बजट 78 करोड़, इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 137 करोड़। भारत का बजट 120 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ से ऊपर हो गया है। अब मैं आपको उन कुछ फिल्म्स के बारे में बताऊंगी जो कि 2019 की फ्लॉप्स में आती हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बजट 30 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 43.95 करोड़। सोन चिड़िया का बजट 30 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.60 करोड़। रोमियो अकबर वॉल्टर का बजट 35 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53.48 करोड़। कलंक का बजट 150 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 142.15 करोड़। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का बजट 65 से 83 करोड़ के बीच, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96.36 करोड़। इंडियाज मोस्ट वांटेड का बजट 37 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.42 करोड़। वाई चिट इंडिया का ओवरऑल बजट 20 करोड़, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.66 करोड़। तो ये थी कुछ फिल्म्स जिनका प्रदर्शन ऐसा रहा हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हम उम्मीद करते हैं कि और फिल्म्स ऐसी आएंगी जो कि ब्लॉकबस्टर्स रहेंगी। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।